में ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलने लगा है। अब मेरा हिजामा होने वाला, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो वन रेप लेके जाता हूँ, उसके बाद आगे का सोचूंगा कि अगर उससे ऊपर जाना है या फिर मेरे को 150 के अराउंड ही किसी पे रेप्स लगाने हैं। तो गाइस, मैं भूल ही चुका था कि गर्मी का मौसम आ गया और आजकल बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। मतलब अभी 5 भी नहीं बजे, इट्स ऑलमोस्ट 4:45 और समथिंग। और ये देखो यार, वाओ। तो यार गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे, मैं सुबह सुबह कैसे उठ गया हो। तो द फैक्ट इज़ कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरा ऐसे रूटीन बन गया था कि मैं सुबह 5, 6:30 सो रहा हूँ और मैं दोपहर में 2-3 उठ रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हो गया था। और मुझे यूजुअली ऐसा लगता था ना कि मैं कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, इस रीज़न से ये हो रहा है। बट अभी पिछले 2 से मैं कैफ़ीन नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब प्री वर्कआउट नहीं ले रहा था। तो फिर भी ऐसा हो रहा है कि मैं लेट से ही सो रहा हूँ, लेट से ही उठ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये पैटर्न ब्रेक करते हैं हम। तो आज का मेरा मिशन है कि आज मैं पूरे दिन नहीं सोऊंगा और मैं आज रात को जल्दी बेड में चला जाऊंगा, सो जाऊंगा मैक्स टू मैक्स 9-10 तक। तो अब आप लोगों को पता है, सुबह से उठ के अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ या कुछ भी, तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, मॉर्निंग राइड। तो अभी बेसिक मुझे कन्फ्यूजन ये है कि मैं बाइक से निकलूँ या कार से निकलूँ। तो इस बारे में सोचते हैं, फिर देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हाँ गाइस, मैंने फाइनली डिसाइड करा कि हम कार से चलेंगे और मुझे नहीं पता कहाँ चलेंगे। और मैंने साथ में ये BCAA ले लिया अपने साथ, ताकि बॉडी पे बड़ी आम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डाल ले। ये देखो, मैं बस घर से निकला हूँ और यार इस पे हमें पेट्रोल भराने की ज़रूरत है। तो गाइस, हम थोड़ा जाम करते हैं, मैं गाने वाने सेट कर लेता हूँ अभी और मैं ड्राइव इंजॉय करता हूँ और बाकी मिलते हैं, आगे अपडेट देता हूँ आपको। भैया 510 का दे देना, 510 पेट्रोल। हाँ पेट्रोल। हाँ तो गाइस, हमने पेट्रोल शेट्रोल सब भरा लिया है और फिर अभी मैं काके रोड पे हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ITBP चले। जिनको पता है, जो लोग रांची से, उनको ITBP का पता होगा। एक्चुअली मैं पता नहीं 1.5-2 साल पहले गया था वहाँ पे, 2 साल भी नहीं, हाँ 2 साल ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वहाँ के एक चक्कर मार लेते हैं, देखते हैं क्या हाल है। और चलो, और कुछ नहीं, गाने इंजॉय कर रहा हूँ, मैं वाइब कर रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द स्पॉट। और एक्चुअली यार, इस एरिया में ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलने लगा है। मैं पहले यहाँ आता था अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने, और इधर देख रहा हूँ यार, इतने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि भाई सिर्फ कंस्ट्रक्शन होने लगा इस तरफ। पहले बहुत ये चिल प्लेस था, लाइक ग्रीनरी थी हर जगह, अभी भी है, ऐसा नहीं है। बट इधर अगर बेसिक देखोगे तो ये सब पहले नहीं हुआ करता था, ये सब कुछ नहीं। अब यहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा अकेला वाइब करूँगा, बहुत मज़ा आता है यार मुझे ऐसा अकेले सुबह सुबह। हाँ तो गाइस, मैं आ गया वापस घर। मैं सोचा था थोड़ा शहर का चक्कर मारूंगा, लेकिन भाई अभी वो टाइम है जब सारे स्कूल जा रहे होते, स्कूल कॉलेज वगैरह, तो बहुत भीड़ थी यार हर जगह। तो मैं घर वापस आ गया। चलो भाई ऊपर चलते, गर्मी हो रही है, तभी से शुरू हो गई गर्मी। तो गाइस, मम्मी ने अभी मुझे ला के गर्मा गर्म चाय दिया और अभी मैं चाय पीऊँगा। और एक चीज़ मैं तो भाई मेंशन करना ही भूल गया कि आप लोगों ने ऑब्वियसली कुछ नोटिस करा होगा। एक्चुअली पता नहीं क्या मेरा मन हुआ, मेरे को बस लगा मैंने भाई रेजर उठा के शेव कर दिया, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब आई वॉज मिसिंग द ओल्ड लुक वो। तो अब हाँ, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। पर्सनली मैं तो थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूँ कि बड़ा खाली खाली सा लग रहा है मुझे, लाइक अपनी शक्ल भूल गया था मैं। आगे कुछ कुछ मैं प्लान्स बना रहा हूँ, तो चाय शाय पीते हैं, उसके बाद आगे का प्लान मैं बताता हूँ आप लोग को। भाई ये वेंस देखो था इस पे। हाँ तो गाइस, इट्स अराउंड 10:30 अभी
और मेरी शक्ल दे आँखें देख के स्पेशली आपको पता चल रहा होगा कि मुझे आ रही है नींद, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज मैं सोऊँ ना। तो बहुत दिनों से मैं एक चीज़ के बारे सोच रहा था, वो था हिजामा कराने के बारे में। लाइक बेसिकली आपको पता होगा उसे कपिंग ही बोलते हैं, बट हिजामा इज़ प्रॉपर जिसमें वो ना कप्स लगाते हैं और उस पर ब्लड आता है, आपका जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो बाहर निकलता है। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से कराऊँगा, बिकॉज मेरे बॉडी के कई ऐसे जगह है जहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम से पेन हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सोने के बदले अच्छा यही है कि मैं जाके हिजामा करा लूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे आज वर्कआउट करने से मना करेंगे अगर मैं आज हिजामा कराता हूँ। तो शायद हो सकता है कि मुझे वो कहेंगे कि आज तुम वर्कआउट स्किप करो और कल करना वर्कआउट। तो आई एम नॉट श्योर। तो एक काम करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या है। बस हमने भैया से बात करी और भैया ने बहुत साफ साफ बोला है कि आज तो आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अभी जिम चला जाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यार दोपहर के टाइम यू नो वर्कआउट करना इज़ हेक्टिक यार। मतलब एक प्लस पॉइंट होता है कि इस टाइम पर अभी 10:30 बज रहे, जिम बिल्कुल खाली होगा, बट भाई यार दोपहर के तो यार गाइस फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं अभी जिम चला जाता हूँ। मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर लगा। उसके बाद फिर तो अभी हम जाके जिम में जाके लेग स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद की स्टोरी में बाद बताता हूँ। होपफुली आकाश भी अभी जिम में होंगे तो हम उनसे मिलते हैं और देखते, वो बहुत नाराज़ होने वाले हैं बिकॉज हमारा प्लान था कि हम साथ में हिजामा कराएंगे। बट यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू मैन। यस गाइस, आज साथ में वर्कआउट नहीं लगा पाएगा आज हम लोग। नहीं, मेरा शोल्डर है। वर्कआउट रूटीन चेंज है फॉर 3 वीक। HSF एथलीट हम लोग करते हैं लेगीज। हम लोग असली मर्द लेग वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं। क्या करेंगे आप बताओ। तो प्लान क्या हुआ ना कि मैंने भैया को बोला कि यार भैया इंस्टेंट रूप चेंज हो गया। तो बोला कि भैया यार आप अकेले शोल्डर करोगे है ना, मैं अकेले लेग्स करूंगा। तो इससे अच्छा यही है कि यार आज साथ में लेग्स कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद साथ में हम लोग चल जाएंगे थेरेपी के लिए। फिजिक एथलीट लेग्स करने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। हाँ भैया के साथ ये प्रॉब्लम है कि भैया को अकेले लेग्स लगाना नहीं पसंद। मैंने बोला साथ में कर लेते हैं अभी, फिर साथ में हम लोग थेरेपी के लिए भी चले जाएंगे। तो डील डन हो गया। इंस्टेंट चेंज मतलब होता नहीं है, ऐसे करके ऐसे करके दूसरा रूट ले लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग साथ में लेग्स ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम लोग साथ में जाएंगे थेरेपी के लिए। वाह। और यहाँ पे रात तक कितना बजे तक चला जाएगा? तो गाइस जैसा कि आज मेरा लेग्स है तो मैं अभी स्क्वाट अपना शुरू करूंगा। तो एज यूजुअल मैं एम्प्टी बार से स्टार्ट करूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि 150 तक मैं 1 रेप लेके जाता हूँ। उसके बाद आगे का सोचूंगा कि अगर उससे ऊपर जाना है या फिर मेरे को 150 के अराउंड ही किसी पे रेप्स लगाने हैं। तो मेरा फिलहाल तो प्लान ये है। आकाश भैया का पता नहीं, वो अभी तक वार्म अप कर रहे हैं। तो चलो वार्म अप शुरू करते हैं। Thank you.
मुझे लगाने थे टॉप सेट पे 160 के 3 रेप, बट 2 रेप के बाद बार मेरे बैक से स्लिप होने लगी तो मैंने 2 ही रेप लगाए। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा सेट लगा लिया, वो था 160 पे, मैंने 1 रेप पॉज लगाया और प्रॉपर पॉज के साथ लगाया मैंने। फिर उसके साथ बैक ऑफ सेट के लिए मैंने लिया 120 पे 8 रेप पॉज। तो अब आकाश भी अपना कुछ पता नहीं वेरिएशन करा रहे हैं, ये लेग प्रेस और एक्सटेंशंस का सुपर सेट है, तो देखते हैं। थोड़ा इंटेंस वर्कआउट होगा आज तो। हाँ तो गाइज हमारा वर्कआउट सेशन डन रहा। लास्ट में मैंने ये सीटेड काफ रेजेस के 5 सेट लगा लिए और लेग्स आर डन। तो टाइम देखोगे अगर तो इट्स 2:30, हमने वर्कआउट शुरू करा था 11:30 बजे, 2:30 पे ख़त्म हो गया, मतलब 3 आवर्स ऑफ लेग वर्कआउट। और भैया का फिजिक अपडेट देखो, और इसके बाद मेरा फिजिक अपडेट हम लोग देखेंगे कैसा है। हाँ तो गाइज मैं आ गया हूँ घर वापस और मैंने शार भी ले लिया और मैं रेडी भी हो गया हूँ क्योंकि अभी हमें थेरेपी के लिए जाना है। तो आकाश भैया थोड़ी देर में आते ही होंगे और मैं भी पोस्ट वर्कआउट मील के लिए मैं ये लूँगा बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसके एक स्कूप पे आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और इस प्रोटीन की सबसे खास बात यह है कि इस पे 50% हायर एब्जॉर्प्शन रेट और इस पे प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो आपको हेल्प करते हैं आपका प्रोटीन ईजिली और ज़्यादा इफेक्टिवली डाइजेस्ट करने में। तो ये प्रोटीन आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। ये प्रोटीन कंज्यूम करने से यूजुअली लोगों को ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने जब से इसे यूज़ करना शुरू करा है मुझे ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई है। तो अगर आप लोग ये प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहते हो तो मसल ब्लेज की वेबसाइट पर जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना प्रत्यक्ष अम्बी टू गेट अ गुड डिस्काउंट। तो गाइस अब फाइनली निकल रहा हूँ थेरेपी सेश और ये देखो ये देखो भाई करवा लीजिए हम तो बोलते हैं। तो गाइस अब हमारा प्रोसेस शुरू होने वाला है। भैया देखो बिल्कुल ओहो कच्चा में दिख गया आप, दर्द का एहसास अभी से कर रहे हैं। आप क्या करवा रहे हैं आप ये बताइए, वो देख ले रहा तुम लोग। और मेरा हिजामा होने वाला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो चलो देखते हैं। तो गाइस हमारा मसाज पूरा हो गया कम्प्लीटली डन और चलो ऐसा भैया ने बताया कि मेरे से बॉडी से ज़्यादा टॉक्सिक ब्लड निकला ही नहीं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और हल्का फुल्का हो रहा है, चलिए फिर। हाँ तो गाइस तो अब मैं घर वापस आ गया और यार ये थेरेपी के बाद यू नो अब मुझे एक्चुअली नींद हिट कर रही है। मतलब यार मैं बाइक में मुझे इतनी मैं बाइक में पीछे बैठ के आ रहा था काश भी आगे पीछे और मुझे इतनी नींद आ रही थी मुझे लगा कब पहुँचूँ घर। फाइनली मैं घर पहुँच गया। अब सोच रहा हूँ कि मैं यार डिनर करता हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी सो जाऊँगा। लेकिन आप लोग फिर से एक चीज़ भूल रहे हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो एक काम करते हैं मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा यू नो फेस वेस धो लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सो हाय गाइस, तो एक्चुअली कल हुआ क्या कि जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैं नो मील ले लेता हूँ अपना और फिर उसके बाद फिर हम क्यू एन ए करेंगे, लेकिन इवेंचुअली खाना खाने के बाद मुझे इतनी नींद आई, मैं बेड में लेटा हुआ था, मैं बस फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था
और उतने देर में मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी रात को लाइक करीब 2 बजे के करीब मेरी नींद खुली थी और तब से मैं लेटा ही हुआ था, तो अभी फाइनली मैं बेड से उठा हूँ। तो मैं सोचा कि जो व्लॉग रह गया था तो अभी उसको कैरी फॉरवर्ड करते हम। तो यार राइट नाउ मेरे को चाहिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। तो पहले हम जाके कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी सी नींद यू नो नींद वाले जोन से बाहर आता हूँ, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। तो गाइज मेरे लास्ट वीडियो पे यू नो ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए, तो फिर इस बार क्वेश्चंस भी यू नो ज़्यादा अटपटे और चटपटे क्वेश्चंस नहीं है इस वाले में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं 2-3 के रिप्लाई दे दूँ। तो यार पहला क्वेश्चन है मेहुल गाड़ी, आई गेस ये आपका नाम है। तो भाई पूछ रहे कि ब्रो व्हाट आर यू स्टडिंग राइट नाउ। तो ब्रो एक्चुअली ऐसा है कि अभी करेंटली मैं कुछ स्टडी नहीं कर रहा हूँ। 2019 में मैं गया था देहरादून अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, जहाँ मैंने BBA करा था, और 2022 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद से मैं यू नो पावर लिफ्टिंग और यूट्यूब और इन सब में बहुत ज़्यादा यू नो इंडल्ज हो गया। तो अभी तो ऐसा हो गया है बाय यू नो गॉड्स ग्रेस और आप लोग के सपोर्ट की वजह से कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू आई एम मेकिंग अ फ्यू बग्स। तो फिर मैं यू नो लाइफ इज़ जस्ट गोइंग, लाइफ इज़ ग्रेट, लाइफ इज़ सिंपल, तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। प्लान तो था मेरा आगे MBA करने का, बट अभी मन सा नहीं हो रहा यार मुझे वापस कॉलेज जाके असाइनमेंट्स अटेंडेंस के लिए भाग दौड़, एंड स्टडिंग इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक यार, बिल्कुल नहीं। और एक और सवाल है फ्रॉम गेमिंग विला, ही इज़ आस्किंग भाई कैन आई प्रेफर हंटर फॉर लद्दाख ट्रिप। तो यार अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँ तो फिर मैंने हंटर को लाइक ज़्यादा खींचा भी नहीं है। मैंने मैक्स जो मैंने सबसे लंबा टूर मारा उस पर दैट वॉज 160 किलोमीटर्स एक दिन का, तो दैट वॉज द हाइएस्ट मैं गया हूँ। बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इस बाइक पे मुझे दो चीज़ों की कमी लगी मुझे बेसिकली। एक है कि इसका टॉप स्पीड बहुत कम है, लाइक टॉप स्पीड इसका है मैक्स टू मैक्स 130 या 135 जा सकता है। और इसका जो दूसरा इशू है दैट इज़ कि मैं अभी गर्मी के मौसम में नोटिस कर रहा हूँ ये कि ये बाइक बहुत ओवरहीट करती है। अगर आप ट्रैफिक पे फंसे हुए हो तो भाई पैरों के पास जो आपको गर्मी फील होगी ना इस बाइक से, भाई बहुत हीट होती है बाइक। विंटर्स में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था बट गर्मी में अभी पता चल रहा है। तो भाई देख लो अगर टॉप स्पीड आपके लिए 130 इज़ एनफ और हीटिंग का आपको इशू नहीं है तो फिर कर सकते हो लद्दाख ट्रिप। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और इन केस अगर आप लोग को भी यहाँ पे रांची में मसाज थेरेपी या कुछ भी कराना है आपको बोलो, मैं बेसिकली यहाँ पे उनके यू नो विजिटिंग कार्ड का फोटो मैं डाल दूंगा। इसी तरह कीप वॉचिंग एंड पीस। व्हाट अ सनी डे भाई, यार ये धूप यार, वी थ्रो शेड्स ऑन व्हाट शाइंस।